नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिसमें हमने आपके पिछले लेक्चर कवर कर दिया। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3.6। दोस्तों, लेक्चर नंबर 3.5 में हमने आपको ये बताया था कि संक्रमण तत्व के कुछ यौगिक होते हैं, जिनमें हमने आपको केवल दो यौगिक बताए थे जो आपके सिलेबस में है। पहला यौगिक कौन सा हमने करवाया है, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी वहां पर हमने ये देखा था पोटेशियम परमैंगनेट की बनाने की विधि क्या होगी, पोटेशियम परमैंगनेट के भौतिक गुण क्या होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण क्या होंगे। ये सारी बातें दोस्तों हम लोग लेक्चर नंबर 3.5 में कर चुके हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हमारा दूसरा यौगिक वहां पर हमने कौन सा बताया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने यहां पर लिखा हुआ भी है कि संक्रमण धातुओं के कुछ यौगिक, इसी प्रकार से हेडिंग हमने लेक्चर नंबर 3.5 में भी बनवाया था। सो दोस्तों, यहां पर हमने क्या लिखा था, पोटेशियम परमैंगनेट, और यहां पर क्या लिखा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो दोस्तों, पहले इसको लिख लेते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी दो यौगिक होते हैं। और दोस्तों, सभी को फॉर्मूला इसका पता होगा। इसका फॉर्मूला हमने कल क्या लिखवाया था, KMnO4, इसे ही क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। और पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात कर ली थी, आज हम किसकी बात करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब हमने ये बताया था कि आपको अगर पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है तो आप कौन सा अयस्क लेते हैं, तो दोस्तों सभी को क्या पता था, MnO2 लेते थे, जिसको क्या बोलते थे, पाइरोलुसाइट बोलते थे। तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको किससे प्राप्त किया जाता है, पाइरोलुसाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, MnO2, यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट होता था वो हम किससे बनाते थे, पाइरोलुसाइट से बनाते थे। इसी प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी हम बनाएंगे, उस अयस्क का नाम क्या होगा, उसको बोलते हैं क्रायोलाइट अयस्क। सो दोस्तों, उसी प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी एक अयस्क होता है, उसको हम बनाते हैं, उस अयस्क से हम क्या बनाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसका नाम क्या होता है, क्रोमाइट अयस्क। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमाइट अयस्क। सो दोस्तों, नाम ध्यान रखेंगे, यानी क्रोमाइट अयस्क के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है FeCrO2 का होल ट्वाइस, यानी ये क्रोमाइट अयस्क का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्या है आपका, फॉर्मूला है। जैसे पाइरोलुसाइट का फॉर्मूला MnO2 होता है, वैसे ही क्या है, क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला क्या है, FeCrO2 का होल ट्वाइस। अब हम बात करेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम किस अयस्क के द्वारा बनाएंगे। तो दोस्तों, अब तक तो सबको पता चल गया है कि हम कैसे बनाएंगे इसको, क्रोमाइट अयस्क से बनाएंगे। अब बात करते हैं सर, क्रोमाइट अयस्क से हम कैसे बनाएंगे। सो दोस्तों, सिंपल सा पहले हम इसको बाई लैंग्वेज समझ लेते हैं, फिर इसको रिएक्शन के माध्यम से भी देख लेंगे। सो दोस्तों, पहले क्या करेंगे, इस क्रोमाइट अयस्क से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाएंगे, इसके लिए सिंपल सी 3 स्टेप में रिएक्शन है। उन 3 स्टेप की रिएक्शन को हम फॉलो करेंगे और क्या बना लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को बहुत ही आसानी से हम बना लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाएगा, ये जो क्रोमाइट अयस्क है आपका, ये क्रोमाइट अयस्क किसके साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम क्रोमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम क्रोमेट बनाएगा। फिर सोडियम क्रोमेट जो ऊपर से बना हुआ होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम क्रोमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम क्रोमेट बनाएगा। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट मिला हुआ है यहां से, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये आपका रिएक्शन करेगा पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट बना देगा। आइए दोस्तों, उसको रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। सो दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था, सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा, क्रोमाइट अयस्क जो होता है वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम क्रोमेट बनाएगा। फिर जो सोडियम क्रोमेट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट बनाएगा। फिर जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है वो पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएगा। आइए दोस्तों, इसकी रिएक्शंस को देखते हैं। सो दोस्तों, रिएक्शन में लिखा हुआ है ये कौन सा अयस्क है, दोस्तों सभी को पता है ये अयस्क है क्रोमाइट। कैसा अयस्क है, क्रोमाइट अयस्क है। अब जो क्रोमाइट अयस्क होता है वो किसके साथ, ये क्या लिखा हुआ है, सोडियम
क्रोमेट लिखा हुआ, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कार्बोनेट है इसका क्या करेंगे, यानी जो क्रोमाइट अयस्क है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका क्या कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ इसका क्या कराने जा रहे हैं, भर्जन कराने जा रहे हैं। अब दोस्तों ये टर्म आपके लिए एकदम नया है कि सर ये भर्जन होता क्या है। सो दोस्तों जब हम तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम भर्जन की बात करेंगे, निस्तापन की बात करेंगे, प्रगलन की बात करेंगे, सिंटर क्रिया की बात करेंगे, ये सारी बातें कहाँ होंगी जब हम लेसन पढ़ेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। सो दोस्तों इसमें किया क्या, क्रोमाइट अयस्क और सोडियम कार्बोनेट का हमको क्या कराना है, भर्जन कराना है। किसकी उपस्थिति में कराना है, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराना है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ इसका क्या कराएंगे, भर्जन कराएंगे। जब हम इसका भर्जन कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट यानी Na2CrO4। ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है। यहां से आपको सोडियम क्रोमेट मिल गया। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सभी को पता होगा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लस क्या मिला आपको, Fe2O3, इसको बोलते हैं दोस्तों फेरिक ऑक्साइड। दोस्तों जैसा कि हमने आपको कई बार बताया हुआ है, अगर फॉर्मूले आपको नहीं याद हैं तो आप एक बार कोशिश करिए, कॉपी लीजिए, कॉपी लेकर उस पर क्या करेंगे, जो फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं उनको लिखेंगे, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों हमने यहाँ से क्या किया, क्रोमाइट है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में भर्जन कराने पर किसके साथ भर्जन कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब भर्जन कराते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। फिर ये जो सोडियम क्रोमेट आपने यहाँ से बनाया हुआ है, ये सोडियम क्रोमेट यहाँ आया, इसने रिएक्शन किसके साथ किया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ये किसका फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट बनाएगा। अब दोस्तों इसको हमने सोडियम डाइक्रोमेट क्यों बोला, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसके साथ लगा हुआ है, के के साथ, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, के तो लगा नहीं है, क्या लगा हुआ है, Na लगा हुआ, और Na को क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट हो गया। अब ये जो सोडियम डाइक्रोमेट आया, सोडियम डाइक्रोमेट मिला यहाँ से, और क्या मिला आपको, ये मिला हुआ है सोडियम सल्फेट और जल मिला हुआ है। कब मिला, जब यहाँ से जो सोडियम क्रोमेट है इसने रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो आपको क्या मिला, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और जल प्राप्त हुआ। फिर यहाँ से जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो फिर रिएक्शन करेगा किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, और आपको क्या दे देगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट दे देगा और NaCl को बाहर कर देगा। सिंपल सी रिएक्शन हैं दोस्तों, तीन स्टेप में हम क्या बनाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्राप्त कर लेते हैं। हेडिंग भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, K2Cr2O7 बनाने की विधि, यानी इन तीन विधियों का यूज करके हम क्या बना लेते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट बना लेते हैं। दोस्तों इसको एक थ्योरी के बेस पे याद करेंगे, चीज़ें बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। जब आप रिएक्शन पर प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन बहुत ही स्पीड में आपको तैयार हो जाएंगे। दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है, इन सारी रिएक्शन का डिटेल नोट, यानी जितना भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में दी हुई हैं। और दोस्तों जैसा सभी को पता है, वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे, और अगर PDF डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाएगा ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्या करते हैं, जब कोई चीज़ बना लेते हैं तो उसके हम गुण की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन कौन से गुण होते हैं दोस्तों, सभी को पता होगा, पहला भौतिक गुण होता है, दूसरा कौन सा गुण पढ़ते हैं, रासायनिक गुण, यानी पहले हम देखते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर क्या देखते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। सो आइए दोस्तों लिखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण। सो दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाएगा, इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण क्या होंगे। सो दोस्तों हमारे पीछे आप भौतिक गुण लिखे हुए देख रहे होंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमने हेडिंग क्या बनाया हुआ है, K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण कुछ पॉइंट्स में हमने लिखे हुए हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह क्रिस्टलीय
ठोस होता है। कैसा होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये क्रिस्टल के फॉर्मेशन में होता है और कैसा होता है, ठोस होता है। जैसे आपकी शुगर यानी जो शक्कर होती है वो भी क्या होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन में होती है, वो भी एज अ क्रिस्टल होते हैं और कैसी होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। ऐसे ही क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होता है, ये क्रिस्टलीन होता है और ठोस होता है। और केमेनोफोर भी हमने क्या बताया था, ये भी वो भी क्या था, क्रिस्टली ठोस होता था। सो दोस्तों पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, यह लाल रंग का होता है, यानी जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका रंग कैसा होता है। तो दोस्तों क्या बताएंगे, सर ये लाल रंग का होता है। और हम आपसे पूछे कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे, सर पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। और अगर हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि पोटेशियम मैग्नेट कैसा होता है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, सर पोटेशियम मैग्नेट जो होता है वो हरे रंग का होता है। सो दोस्तों ये सारी बातें हमने कहाँ डिस्कस की हुई थी, लेक्चर नंबर 3.5 में सारी चीजें आपसे डिस्कस करी हुई थी। सो दोस्तों उसी प्रकार क्या है, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यह जल में विलेय होता है। और दोस्तों विलेय का मतलब क्या होता है, जल में घुलनशील है, सिंपल सी बात है। इसे ही क्या बोलते हैं, ये जल में विलेय है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा और ये भी पॉइंट आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसका जलीय विलयन नारंगी लाल होता है। कैसा लाल होता है, नारंगी लाल, ठीक है। अब बात करते हैं जलीय विलयन, क्योंकि हमने क्या बताया, यही जल में विलेय है, इसका मतलब जब हम इसको जल में घोलते हैं तो घुल जाता है। जब वो घुल जाएगा तो उसका रंग कैसा होगा, सो दोस्तों उसका रंग कैसा होगा, नारंगी लाल होता है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों ध्यान क्या रखना होता है कि ये जो भौतिक गुण हैं उनको ध्यान रखना है। एक दो भौतिक गुण आप ध्यान रखें, कौन चीज़ें जल में विलेय हैं, कौन चीज़ें जल में नहीं विलेय हैं, ये सारी चीज़ें जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी कई सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें जल में विलेय होती हैं, कौन सी चीज़ें जल में विलेय नहीं होती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ाई करिए, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है या बायो है, कुछ भी है, ए टू जेड कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा फोकस देना है। सो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। और फोकस कब होता है, जब माइंड हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से पीसफुल होता है, यानी शांत होता है। सो दोस्तों माइंड को शांत करके अच्छे से पढ़ाई करिए। आप एक घंटे पढ़िए लेकिन मन लगाकर पढ़िए, फिर वो जो एक घंटे की पढ़ाई होती है दोस्तों वो बहुत ही अच्छे से समझ में आती है। बल्कि क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम सर 6 घंटे किताब खोले बैठे अगर हमको एक भी लाइन याद नहीं है तो वो पढ़ाई गलत है। बल्कि आप क्या करिए, 1 घंटे अगर पढ़ना है लेकिन फुल फोकस के साथ पढ़ाई करिए तो वो 1 घंटे की पढ़ाई आपकी क्या होती है, सार्थक हो जाती है। और दोस्तों जैसा सभी को पता है हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो बोर्ड एग्जाम्स में हम लोगों को क्या करने हैं, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। वो अच्छे से अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, सो दोस्तों सभी को पता है क्या करना है, घर पर बैठ के आराम से पढ़ाई करनी है और इन सारी चीजों को तैयार करना है। नोट्स को दोस्तों जरूर पढ़ना है, फिर चाहे वो नोट्स आपका केमिस्ट्री का हो, चाहे वो नोट्स आपका फिजिक्स का हो, चाहे वो नोट्स आपका बायो का हो, फिर चाहे वो नोट्स आपका मैथ का हो। सो दोस्तों नोट्स पे जरूर ध्यान रखना है। जैसे मैथ्स आपका है, मैथ्स में क्या करना है, सर आपको यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाले सर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, मैम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, उसमें क्या करना है, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और उस पर प्रैक्टिस जरूर करनी है। जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपको तैयारी हो जाएगी। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि अपने वो बोर्ड एग्जाम से बहुत ही अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो बात करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण क्या होते हैं। जैसा कि आप रासायनिक गुण लिखे हुए देख रहे हैं, सो दोस्तों सिंपल सी रिएक्शंस है, ध्यान क्या रखना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है तभी रिएक्शंस आसानी से तैयार हो पाएंगी। सो दोस्तों बढ़ते हैं, लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट के रासायनिक गुण। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, सभी को पता है ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ रिएक्शन कर रही है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, क्रोमिक सल्फेट। क्या बनाती है, क्रोमिक सल्फेट बनाती है, यानी CrSO4 का होल
थ्राइस बनाएगी, ये क्या बना रही है क्रोमिक सल्फेट बना रही है, प्लस यहाँ पर क्या बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं पोटेशियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सल्फेट बोलते हैं, और शायद इसका फॉर्मूला तो किसी को पता नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं जल बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ क्या कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्रोमिक सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट बनाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, फिर ये क्या लिया गया है यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों सभी को पता ये है क्या पोटेशियम, ये क्या है आयोडाइड, इसका नाम क्या होगा पोटेशियम आयोडाइड। इनके साथ जब रिएक्शन होगा तो यहां पर आपको क्या मिला हुआ है दोस्तों सभी को पता है इसको क्या बोलते हैं आयोडीन बोलते हैं, और ये क्या है क्रोमिक सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, और आपको क्या मिला हुआ है जल मिला हुआ है। सिंपल सी बात है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाती है आयोडीन बनाती है, क्रोमिक सल्फेट तो बनाई है K2SO4 है ही है, H2O था H2O ही है। सिंपल सी बात है रिएक्शन में आप कोरिलेशन देखिए, जो रिएक्शन एक जैसी लग रही है उन रिएक्शंस को एक पास रखिए। अब सिंपल सी बात है अगर आपने ये वाली रिएक्शन तैयार कर ली तो आपको ये रिएक्शन तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा, किया क्या पहले वाली रिएक्शन तैयार करिए, पहले वाली रिएक्शन में हमने क्या देखा सल्फर डाइऑक्साइड था, ठीक है अच्छी बात है जो बना हुआ था वो तो बना हुआ है नो प्रॉब्लम। फिर हमने दूसरी रिएक्शन जब हमको तैयार करनी थी तो हमने क्या देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड की जगह अगर हम पोटेशियम आयोडाइड लगा दें कितने टाइम 6 times लगा दें तो हमको क्रोमिक सल्फेट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्रोमिक सल्फेट मिला पोटेशियम सल्फेट मिला H2O मिला, लेकिन इतना ध्यान रखना है यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट क्या है 1 time था, यहाँ पर 4 times है, यहाँ पर जल 1 time था, यहाँ पर जल कितने टाइम्स है 7 times है, और आपको यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं आयोडीन बोलते हैं। सो दोस्तों लगभग रिएक्शन एक जैसी है, इनको तैयार करने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। अब बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट किसके साथ रिएक्शन करके क्षार के साथ, और क्षार किसको बोलते हैं यानी बेस किसको बोलते हैं जिसके साथ OH लगा होता है उसी क्या बोलते हैं क्षार बोलते हैं, क्षार से अभिक्रिया करके पोटेशियम क्रोमेट में परिवर्तित हो जाती है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है क्षार के साथ, कौन कर रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट क्षार के साथ रिएक्शन करेगा, और हमने क्या बताया था जहां पर OH लगा होता है इसका मतलब वो क्या होता है क्षार होता है, कौन सा क्षार है ये पोटेशियम का क्षार, इसको क्या बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों बनाता है पोटेशियम क्रोमेट बनाता है। सो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं यहां पर क्या बना हुआ है पोटेशियम क्रोमेट बना हुआ है। अब यहां से आपको क्या मिला पोटेशियम क्रोमेट मिला और जल मिला, फिर क्या हुआ फिर यहां से जो पोटेशियम क्रोमेट होता है ये फिर रिएक्शन करेगा किसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करके फिर क्या बना देगा दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है। यानी सिंपल सी बात है पहले जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो जब क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम क्रोमेट में परिवर्तित होगा, जब पोटेशियम क्रोमेट फिर से रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो दोस्तों वो पुनः यानी दोबारा क्या हो जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में फिर परिवर्तित हो जाता है। सो दोस्तों वही लिखा हुआ है पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट था क्षार के साथ रिएक्शन किया पोटेशियम क्रोमेट बनाया। अब डाइक्रोमेट और क्रोमेट में अंतर क्या है, डाई जहां पर होता है वहां पर CR पर भी क्या लग जाते हैं 2 लग जाते हैं 2 CR होते हैं तभी तो डाई बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं मोनो, 2 को क्या बोलते हैं डाई बोलते हैं, यहां पर क्या है पोटेशियम डाई क्रोमेट बोलेंगे इसको, क्यों क्योंकि CR कितने लगे हैं 2 लगे हुए हैं, यहां पर एक ही CR है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं खाली पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी रिएक्शंस आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। यहां पर हुआ क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट था सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन किया, इसने फिर से क्या बना दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया, यहां पर K2SO4 और H2SO बन गया। अब K2SO4 को क्या बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना आपको आसानी से आ गया होगा। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों उन क्वेश्चंस को लिखते हैं जो क्वेश्चन आपके लिए कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जैसा कि हमारे पीछे आप लगभग 3 questions लिखे हुए देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो दोस्तों इन क्वेश्चंस पर समझना और इनको
करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हालांकि ये तीनों क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व मतलब कौन से तत्व? संक्रमण तत्व। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? ये भी हमने कराया हुआ है आपको कि जब हम संक्रमण तत्व के सामान्य लक्षण पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने लिखवाया था, शायद दूसरा या तीसरा लक्षण हमने लिखवाया था कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था करके एक टॉपिक बनवाया हुआ था, वहां पर हमने उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अभी भी इसको फिर से देख लेंगे एक बार। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी उपकोष के तत्व, डी उपकोष नहीं, यहाँ पर डी ब्लॉक कर लीजिए, ब्लॉक बोल दीजिए, डी उपकोष भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातुएं बनाते हैं क्यों? अब दोस्तों ये भी टॉपिक हमने कवर किया है कि ये मिश्र धातुएं बनाते हैं, और कितनी मिश्र धातुएं बनाते थे? ये दो मिश्र धातुएं बनाते थे। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं क्यों? सिंपल सी बात है, इन सभी क्वेश्चन का एक आधार है। केवल क्या आधार है इन क्वेश्चन का? केवल एक ही आधार है कि इनके डी उपकोष क्या होते हैं? आंशिक भरित होते हैं, यानी इनके डी उपकोष पूरे भरे नहीं होते हैं। जब डी उपकोष पूरे भरे नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ये रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे। जब रासायनिक बंध बनाने में भाग लेंगे तभी ये क्या करेंगे? रंगीन यौगिक बनाएंगे। क्वेश्चन हो गया कि इनके डी उपकोष क्या होते हैं? आंशिक भरित होते हैं। आंशिक भरित का मतलब इनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किनके डी उपकोष में पाए जाते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों के या संक्रमण तत्वों के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात संक्रमण तत्व के डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं उनमें क्या होते हैं? डी उपकोष आंशिक भरित होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं? रंगीन यौगिक बनाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, जैसा कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने नोट्स में मेंशन किए हुए हैं। सो दोस्तों वो नोट्स आप जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों? अब परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का जब टॉपिक कराया था तो हमने आपको ये बताया था डी उपकोष के जो तत्व होते हैं उनका बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता था? NS1 या NS2 होता था, और क्या होता था? N-1d1210, यही तो होता था। और उसमें हमने क्या बताया था? डी उपकोष के या डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके NS और N-1d इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा लिख लेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बाह्य कोष और बाह्य कोष से एक नंबर पीछे वाली कोष, लेकिन डी उपकोष वाली कोष क्या करती है? इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी हमने पिछले लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से इन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो दोस्तों वहां से एक बार इनको फिर से पढ़ सकते हैं। सिंपल सी बात है कि इनके जो NS और N-1d इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि ये तो बिल्कुल ही बुरा सा हो गया क्वेश्चन, चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, चलिए इसको फिर से हमने स्पेलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व मिश्र धातुएं बनाते हैं क्यों? बनाते हैं कौन सी धातुएं बना रहे हैं? मिश्र धातुएं बना रहे हैं, और मिश्र धातुएं क्या होती थी? हमने क्या बताया था? संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं क्या होती हैं? लगभग बराबर होती है। क्या होती हैं? लगभग बराबर होती हैं, इसीलिए यह क्या बनाते हैं? मिश्र धातुएं बनाते हैं। मिश्र धातुएं का मतलब हमने ये बोला था कि संक्रमण धातुओं के जो तत्व होते हैं उनकी परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर होती है, इसीलिए मिश्र धातुएं बनाते हैं। और दोस्तों वहां पर हमने दो तरीके की मिश्र धातुएं आपको बताई थी, प्रतिस्थापनी मिश्र धातु बताई थी और अंतराकाशीय मिश्र धातु बताई थी। प्रतिस्थापनी मिश्र धातु में हमने क्या बताया था? जब समान परमाणु त्रिज्या वाले परमाणु होंगे तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को विस्थापित करके वहां पर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और अंतराकाशीय में क्या बताया था? एक बड़ी परमाणु त्रिज्या के परमाणु के अंदर कोई छोटी परमाणु त्रिज्या का परमाणु क्या होता है? उसके जालक में
वास करता है। ये सारी बातें दोस्तों हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब इन सभी क्वेश्चन का एक मूल आधार क्या निकला? मूल आधार यही तो निकला कि इनके डी उपकोष क्या होते हैं, रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए ये सारे कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। इसीलिए डी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाते हैं, तभी ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तभी ये मिश्र धातुएं बनाते हैं, तभी ये क्या करते हैं रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। सो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।